वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का फजल करम एहसान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त सुबह फजर का टाइम हो रहा था, तहज्जुद की फजर की अजानें आ रही हैं और मैं जो है आने वाली हैं तकरीबन आधी रात है, तो मैं जाग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फिर जो है अपने पपीज़ को लेकर बाहर निकला अपनी बैला। और अब तो माशाल्लाह पपीज नहीं रही, बैला तो काफ़ी बड़ी होगी, जवान हो गई, 5 मंथ की हो गई है, पर खैर भी खैर। तो मैं वॉक के लिए मैं ले कर निकला, मैंने कहा चलिए मैंने वॉक करवा लूँ। अभी मैंने के सामने प्लाजे के सामने ये रहा चार्ली और वो रही बेला, खुद ही अपने घर के अंदर जा रही। कमेर बेला, कमेर। तो ये जनाब बहुत शरारती हो गई है, माशाल्लाह बड़ी हो गई है, बड़ी हो रही है, 5 महीने की हो गई है अभी। और चार्ली जो है ये 4.5 माह के, चार्ली अभी ये है जो इसे फील होगा ना थोड़ी दूर। चार्ली कमेर, कम ऑन चार्ली, कम, गुड बॉय, कम। ये देखें इसकी आंखें चमक रही, ये भागता आ रहा है। और फिलहाल जनाब मैं इन्हीं को ले कर रोड सुनसान देख रहे हैं, कि रोड पे कोई भी नहीं और मैं इन्हें ले कर फिर रहा हूँ। ये ज़रा अच्छा टाइम होता है ले कर बाहर निकलने का, तो ये फर्स्ट टाइम नो, ये फर्स्ट टाइम ही होता है, तो इन्हें ख्याल रखना पड़ता है कोई गंदी चीज़ नहीं खाएँ पिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनकी सेहत का ख्याल बहुत रखना पड़ता है, एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं इस वजह से। तो अभी थोड़े से इन्हें रन करवाते हैं, देखिएगा। चार बेला रन, कम, गुड बॉय, गुड गर्ल। अभी आपको शायद मैं नहीं दिखा पाया, अब मैं एक बार इसका पट्टा खोलूँगा थोड़ी देर के लिए, इसकी चेन को, नो कम है, अब इसकी चेन में खोलूँगा दोनों हाथों से। सॉरी hey, चार्ली बेला कम ऑन। अभी मैंने इसकी चेन खोल दी, अभी दोनों की चेनें तकरीबन खुली हुई हैं। तो hey, चार्ली बेला नो, चार्ली बेला कम है, कम, गुड बॉय, गुड गर्ल, कम ऑन बेला कम हियर कम चार्ली कम जी। अभी तो मैंने ऊपर उन्हें बांधा है और मैं अब घर आ गया हूँ अपने रूम में, और इस वक्त तकरीबन फजर की अजानें शुरू हो चुकी हैं पूरे शहर में, और आज मूड कुछ ऑफ सा है, बदला है। और पहले मैं सोच रहा था यार व्लॉग ना बनाऊं, पर फिर मैंने कहा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे देखने वाले हैं, वो मेरी एक फैमिली, मेरे एक करीबी, मतलब मुझसे लगाव प्यार रखने वाले हैं। तो खैर परेशानी तो मैं दिल में ही है, बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझ पर करम करे। तो अभी अजानें हो रही हैं और मैं अपने यहाँ पे रूम में बैठूँ, और पानी की बोतल पड़ी है पानी पीने के लिए, और कुछ भी नहीं हो रहा है, बस यही हो रहा है, ये दीवारें हैं और ये कमरा है और ये नीचे मैं बैठा हुआ। सुबह वक्त नींद आँखें भी लगती रही मेरी, पर अब इनके सुबह का खाने का टाइम हो गया, वो देने हैं बस वेला, ये पहले देखे अभी से आप बेहतर तो देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी हो गई ये चाली है, जो भी इनके खाना प्रिपेयर कर रहा है। आज इन्हें अंडे भी दिए जा रहे हैं, बॉयल्ड चावल, बॉयल्ड चिकन, साथ यखनी, साथ रॉयल कैनन और बॉयल्ड अंडे। गुड बॉय, गुड गर्ल। लेकिन अब ब्रशिंग हो रही है,
गाइस वेलकम यार, मैं जो हूँ सो गया था। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हुआ तो सो गया था। बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। यहाँ बैठे बैठे सो रहा था मुझे। फिर जब मैंने कहा कि बॉस जी आप अंदर ऊपर जाएँ सो जाएँ, मैं ऊपर जाके सो गया था। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा और बैटरी बहुत डाउन, सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर लो है, आई डोंट नो के लो है कि हाई है, बाल सर में बहुत दर्द थी। गोलियाँ लिए भी कुछ हद तक आराम है। अब मगरिब का वक्त हो गया है, सुबह उठे थे, फजर का था, अब मगरिब का वक्त है। अल्लाह आप पे और हम पे हज़ारों करोड़ों अपनी रहमतों के नज़ूल फरमाए। तो ये हालात वाक़यात हैं। तो अभी जनाब और कुछ नहीं, यही कुछ है।